नमस्कार कहने न्यूज़ की खास प्रोग्राम जो है सोहे में आपका स्वागत है। मैं हूँ काजल वर्मा। आज हम बात करेंगे हमारे इस खास शो में इंदौर के ट्रैफिक के बारे में। इंदौर कैसे आएगा ट्रैफिक में नंबर वन, जबकि इंदौर की हालत ट्रैफिक में इस तरीके की। अभी हम मौजूद है जवाहर मार्ग पर गुरु नानक चौक के सामने। यहाँ पर देखा जाए तो टू व्हीलर से लेकर फोर व्हीलर तक लोगों ने सड़कों पर पार्क की हुई है, तो ट्रैफिक कैसे सुधरेगा आइए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस से। हमारे साथ दौरे जी मौजूद है। दौरे जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि ट्रैफिक को कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है? हमारे यहाँ तो संकेत चल रहे हैं, उससे हम लोग कंट्रोल करते हैं, जो चल रहे हैं उससे नियम से कंट्रोल करते हैं। और रोड थोड़ा चौड़ा और हो जाए, और पार्किंग की जो जगह है यहाँ पर कहीं है नहीं है, दुकानदारों की जो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है इससे ट्रैफिक कभी कभी रुक जाता है, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ ज़्यादा चलता है। जवाहर मार्ग है ये, ट्रैफिक यहाँ ज़्यादा चलता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमको डबल निकालना पड़ता है ट्रैफिक को। जब जाम होती है, स्थिति दिखती है, तो हमको निकालना पड़ता है। ये गाड़ियाँ अगर हट जाए ना, यहाँ से रोड हो जाए, जहाँ फुटपाथ हैं उन पर गाड़ियाँ न रखी जाएँ तो अच्छी चीज़ है। लेकिन फुटपाथ पे तो ठीक है, यहाँ पर आधे आधे रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, फोर व्हीलर भी खड़ी है, तो इसके लिए आप कार्रवाई करते हैं या नहीं? और कार्रवाई की जाती है? हमारी क्रेन चलती है, जो जो गाड़ियाँ गलत खड़ी मिलती हैं उन पर क्रेन कार्रवाई करती है। लेकिन अभी अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ चौक पे ही बहुत सारी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हैं, तो इसके लिए आप कार्रवाई करते हैं, क्रेन को कॉल करते हैं या नहीं? क्रेन को कॉल करते हैं, बिल्कुल बराबर कॉल करते हैं। तो फिर ये गाड़ियाँ अभी क्यों खड़ी हैं? अभी क्रेन हमारे पास अभी है नहीं है, क्योंकि हमारे पास तीन ही क्रेन, दो क्रेन है हमारे पास पूरी सिटी के लिए, यहाँ पश्चिम क्षेत्र के लिए। तो जब आएंगी, कॉल कर दिया हमने, आएगी तो हटवाएंगी वो। आपकी ये मांग है कि सड़कें और चौड़ी होनी चाहिए? होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए रोड को। उसके बाद अगर देखा जाए तो आप ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर इस तरफ जाने के लिए भी एक रास्ता होता है, मीन्स अगर हमें सीधा जाना है तो ठीक है, हमें मुड़ के भी जाना होता है, तो यहाँ पर जो ट्रैफिक अभी कंट्रोल हो रहा है यहां, ये इधर जाने के लिए रास्ता बचता ही नहीं है, मुड़ने के लिए हमें रास्ता। रोड इतने चौड़े नहीं है कि जहाँ हम लेफ्ट हैंड भी चला, और यहाँ संकेत भी इसी हिसाब से बने हैं कि आगे जाने वाला चला जाए, लेफ्ट हैंड वाला चला जाए, राइट वाला चला जाए, ये है नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर रोड कम है और उसमें डबल चलाना पड़ता है, इसलिए इसको ज़्यादा लेफ्ट नहीं चला पाते हम लोग। सर, जैसे कि ये जो मैजिक वैन वगैरह है, सिटी वैन वगैरह है, ये एक जगह रुक जाती है और जब तक भरते नहीं है वो लोग हटाते भी नहीं, नहीं, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं तो है। नहीं, ऐसा देखा जाता है, तो इसकी वजह से ट्रैफिक बहुत खतरनाक तरीके से जाम हो जाता है, जिसको अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो भी नहीं कर पाते। जैसे कि अभी वहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए वो जब तक भर ही नहीं है तब तक वो हटा नहीं रहा है, तो इसके लिए आप क्या कार्रवाई? सुनिए, हम अगर गलत पकड़ लेते हैं तो उसमें चालानी कार्रवाई कर दी। अभी हम जाएँ ना, उसको पकड़ लेंगे तो हम चालानी कार्रवाई कर देंगे उसकी, है ना। दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ स्टाफ लिखा हुआ है, बस स्टाफ लिखा हुआ है, जो बस आती है, बस बड़ी है यहाँ, और बस जब एकदम रुकती है और ट्रैफिक आता है तो ट्रैफिक आगे पीछे रुक जाता है, लेकिन हम हटवाते हैं उसको, करवाते हैं, क्लियर करवाते हैं, नहीं चालानी कार्रवाई करते हैं। तो इसके लिए सुविधा के लिए हमें यहाँ पर एक बस स्टॉप तो की ज़रूरत है आपको? बस स्टॉप की ज़रूरत कहाँ है, बस स्टॉप की जगह नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल जगह नहीं है यहाँ बस रुकने की, जगह ही नहीं है, इतना चौड़ा रोड ही नहीं है कि जहाँ पर बस रुक जाए, यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पहले लिखा हुआ था इस साइड मच्छी बाजार तरफ, तो उसको भी हटवाया है अधिकारियों की मदद से, इसको हटा दिया गया है। अब इसका यहाँ से यहाँ तक कोई स्टाफ नहीं है, केवल वो है मालगंज जो लिखा हुआ है ना, वहाँ स्टाफ लिखा हुआ, जरा सा वो रोकेगा, सवारी बिठाएगा, चल देगा। और ऐसे ही शनि मंदिर के सामने है, वहाँ रोकेगा, सवारी बिठाएगा, चल देगा, ये नियम है। यहाँ कोई गाड़ी रोकने का कोई नियम नहीं है। हम नो पार्किंग में गाड़ी पकड़ते हैं तो बिल्कुल चालानी कार्रवाई करते हैं। लाइट बंद और हेलमेट भी नहीं पहना आपने? हेलमेट बेटे मैं लगाता नहीं हूँ, क्योंकि दिखता ही नहीं आसपास का, एक आँख की तकलीफ भी है, दूसरा साइड का दिखता ही नहीं है, सिटी में तो होने ही नहीं चाहिए हेलमेट। पर फिर भी कोशिश करिए हेलमेट पहनने की। में हेलमेट नहीं होना चाहिए। क्यों? लोग ऐसे टकरा टकरा के गिरते हैं। अच्छा, सिटी के बाहर हो तो कोई तकलीफ नहीं है, सिटी के बाहर जाता हूँ लगाता हूँ, बाकी यहाँ सिटी में तो बहुत तकलीफ है, हेलमेट में दिखते ही नहीं आसपास। अंकल का कहना है कि सिटी में हेलमेट पहनना ही नहीं चाहिए, आप क्या कहेंगे? आप तो ट्रिपलिंग कर रहे हैं। ट्रिपलिंग तो फीमेल्स हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, शोरूम से नहीं, फीमेल्स हैं, हम पुलिस वाले नहीं है कि आपको पकड़ लेंगे और कर लेंगे, नॉर्मल बात पूछ रहे हैं कि आप तो ट्रिपलिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपने हेलमेट भी नहीं पहना, क्यों? हेलमेट वेयर करता ही नहीं हूँ वैसे तो मैं। कारण मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है। अच्छा जी हाँ। सबसे पहले तो भाई साहब ये बताओ, आपने गाड़ी में कितने लोग भर रखे हैं? 6-7 हैं। 6-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो पीछे है, उसके बाद 1, 8 8 लोग हैं, आप साथ ही बोल रहे हो? हाँ तो आप 8 हैं। और कितनी भरोगे? अभी भी खड़ी रखी आपने? अब ये रास्ता मिलेगा तो जाएंगे ना। अच्छा, रास्ता मिलेगा तो जाओगे। पॉइंट बन जाए। और उसके अलावा आप हमेशा ऐसे गाड़ी खड़ी रखते हो तो आपको कोई रोकता टोकता नहीं है?
क्योंकि बीच सड़क पे आप गाड़ी खड़ी रखते हो सिर्फ इसलिए कि मेरी गाड़ी भर जाए, लेकिन इसकी वजह से ट्रैफिक, इसकी वजह से ही ट्रैफिक जाम होता है। गाड़ी इतनी रोड पे दे रखी है कि हम क्या करें, हमें निकलने की जगह मिलेगी तो हम निकलेंगे ना। निकलने की जगह आपको मिलती है लेकिन आपकी गाड़ी जब तक नहीं भरेगी, जब तक एक एक सीट एक बंदे के बैठने की भी जगह नहीं, कई वक्त हम खाली भी जाते हैं, हम रुकते ही नहीं है। ये देखिए आपके पॉइंट बंद हो गया, तब जाएंगे ना। आपकी शॉप के सामने बाहर गाड़ियां खड़ी रहती है, लोग पार्क करके चले जाते हैं, इसकी वजह से आपको इनकन्वीनियंस बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती होंगी, तो किन किन समस्याओं का सामना करना? इनको कहना पड़ता है कि हटाइए यहाँ से, बाकी हटाते नहीं है, खड़े रहते हैं कि हमारे कस्टमर आते नहीं है और हमको दिक्कत बहुत होती है। और यहाँ एक्चुअली पार्किंग नहीं है, मेन दिक्कत ये है पार्किंग, और यहाँ पुलिस वाला कोई खड़ा नहीं रहता। मेन यहाँ पर पुलिस वाला खड़ा रहे तो ये ट्रैफिक नहीं हो। तो इस तरफ जो पुलिस वाले खड़े रहते हैं जिनसे हमने अभी बात की थी, क्या वो इस चीज़ के लिए तत्पर हैं? नहीं है वो, नहीं। और यहाँ आते भी नहीं है वो, जैसे अभी देखो आप कितना ट्रैफिक हो रहा है, उनको आना चाहिए। हाँ। उनका फ़र्ज बनता है कि ट्रैफिक को हटाया जाए। यहाँ पे आम जनता, हम जैसे लोग इस ट्रैफिक को हटाने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या क्या मांग करते हैं प्रशासन से इस ट्रैफिक के लिए? इसके लिए कहना चाहते हैं कि बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक पार्किंग भी रहे और ट्रैफिक ना रहे, बस पार्किंग की एक व्यवस्था हो जानी चाहिए, यही मांग है जनता की आपसे। आप क्या कहेंगे यहाँ पर जो समस्याएं उठानी पड़ रही है सबको? सबसे पहले तो इधर एक पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद है ना यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो तो हमारा कंट्रोल दे ही रहे, बाकी क्या होता है कि दो तीन बंदों से पूरा पुलिस प्रशासन जो है दो तीन बंदों से मैनेज नहीं हो पाता है। कम से कम यहाँ पे 5-6 बंदों की टीम चाहिए और प्रॉपरली यहाँ पर है ना ट्रैफिक का जो नियम है उनको मानना चाहिए। यहाँ से लोगों ने क्या है कि लड़ना है, ये मतलब कोई सुनता नहीं किसी की भी, कोई एक हेड होना चाहिए कि जो इस बंदे को सब कुछ करे इन सबको, मतलब कोई भी आपत्तिजनक स्थिति बनती है तो कोई संभालने वाला हाँ, नहीं होता है। हाँ कोई संभालने वाला है, दो तीन बंदे है, बाकी वो कितना संभालेंगे। हाँ एक मतलब एक होता है ना कि एक टीम होती है प्रॉपरली, एक टीम होगी प्रॉपरली तो क्या होता है कि बंदा एक टीम के साथ में चलता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अभी यहाँ पर वन वे लिखा हुआ है तो अब वन वे में अब दो जने दोनों साइड से आती गाड़ियाँ, तो पुलिस वालों को ये कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो फुटपाथ पर गाड़ियाँ खड़ी है, फोर व्हीलर भी हम लोगों ने देखा, फोर व्हीलर भी फुटपाथ पर नहीं, वो एक्चुअली फोर व्हीलर तो ये है कि वो इतनी जगह घेर लेती कि आधी सड़क रह जाती है, तो इसके लिए क्या इसका क्या समाधान कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो इधर पहले प्रशासन से मैं चाहता हूँ कि आप इधर एक पार्किंग व्यवस्था दें जिसके कारण से जो भी सिस्टम के साथ चले जो भी काम हो। भी मौजूद है, हमने सुना है कि यहाँ पर ऑटो चालक ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं पुलिस की ना मौजूदगी में, आप क्या कहते हैं? क्योंकि यही है जो इस ट्रैफिक को ज़्यादातर कंट्रोल करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो ये जवाहर मार्ग है ये बहुत व्यस्त रोड है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, तो सामने वाला जो रोड देख रहे हैं आप ये वन वे आने जाने के लिए, इधर भी वन वे है तो इधर से भी गाड़ी आती है उधर से भी आती है, तो ये ट्रैफिक पर ज़्यादा लोड पड़ता है। और मेन चौराहा नल्लापुरा चौराहा वो ज़्यादा जाम होता है तो वहाँ के कारण यहाँ लोड पड़ता है, तो फिर यहाँ हम सवारी नहीं मारते तो हम सवार ट्रैफिक पुलिस का काम करना पड़ता है हमें। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत जाम रहता है और खासकर ट्रैफिक जाम होने का कारण ये है कि यहाँ पर फुटपाथ पर गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी होती है क्योंकि पार्किंग नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं? पार्किंग तो ऐसा है कि पार्किंग तो है बाकी दूर है थोड़ा। अच्छा, और ये फुटपाथ पर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है ना ये गलत खड़ी रहती है, ये यहाँ से अगर इनको नहीं खड़े रहेंगे ना तो ये ट्रैफिक कम रहेगा। फिर तो इन पर कार्रवाई करनी चाहिए जो मतलब फुटपाथ पर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं उन लोगों का, कार्रवाई तो होनी चाहिए, कार्रवाई होगी तो ये भी तो आगे बढ़ेगी। लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। हम मौजूद है जवाहर मार्ग पे गुरु नानक चौक पे, यहाँ पर हमने ऑटो चालकों से बात की, यहाँ पर हमने दुकानदारों से बात की, यहाँ पर हमने ट्रैफिक पुलिस से भी बात की। इंदौर का ट्रैफिक कितना अच्छा है ये तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस यानी कि प्रशासन से ज़्यादा ऑटो चालक ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर ट्रैफिक का, और ट्रैफिक कंट्रोल तक वो खुद करते हैं। इसी तरह बने रहिए KNN न्यूज़ के साथ, मैं हूँ काजल वर्मा, कैमरामैन भारत नरवरे के साथ।